मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रूपम लेक्चर्स। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर फोकस्ड है केस नंबर 3, जो कि ब्लड एंडायसिस के बारे में है। हमने पहले काफ़ी लेक्चर सुने हैं ब्लड एंडायसिस क्या होते हैं, MCV क्या होते हैं, MCH क्या होता है, MCSC क्या होता है, RDW क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी RBC हिस्टोग्राम पढ़ना है तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड एंडायसिस क्या होते हैं, MCH क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है और कहाँ कहाँ ये एबनॉर्मल होते हैं। तो आप ये लेक्चर ज़रूर सुनिए, तभी आपको ये केसेस को पढ़ना आएगा। तो RBC हिस्टोग्राम को पढ़ने के लिए आपको ये सारी जानकारी होना जरूरी है। और अगर आपको प्रॉपरली RBC हिस्टोग्राम पढ़ना आएगा तो आप हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर फोकस्ड है केस नंबर 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का केस है 23 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, एक 23 साल का व्यक्ति है जो कि मेल है और डिफरेंट पैरामीटर दिए गए हैं। RBC 4.5 × 10⁶ पर माइक्रोलीटर मींस 4.5 मिलियन, हीमोग्लोबिन 11 g/dL मींस 11%, MCV 87 ft/L, MCH 30 pg/g, MCSC 33%, WBC है इसमें 6500 और प्लेटलेट है 3.5 lakh। अब हम इनको रीड करेंगे कि ये वैल्यू नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या है, और इसके बेस पर हम इस पेशेंट की डायग्नोसिस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पैरामीटर हम देखेंगे RBC 4.5 मिलियन, 4.5 × 10⁶ पर माइक्रोलीटर, क्या ये नॉर्मल है? ओके, ये इसका जो लोअर रेंज होता है वो मिनिमम रेंज पर नॉर्मल है। और हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन है 11 g/dL और इसका लोअर वैल्यू कितना होता है, लोअर रेंज कितना होता है, वो होता है 13 g/dL। मींस यहां पर है 11, मींस एक चीज तय हो गई कि इस पेशेंट को एनीमिया है। पहली चीज डिसाइड हो गई इस पेशेंट को एनीमिया है। अब हम MCV देखते हैं, MCV यहां पर कितना है, 87 ft/L। और फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है MCV का, MCV का नॉर्मल वैल्यू होता है 78 to 94 ft/L। मींस ऑन एवरेज जो 90 ft/L होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन यहां पर 87 है तो ये 78 टू 94 की रेंज में आता है। मींस MCV नॉर्मल है, मींस उस सेल का वॉल्यूम नॉर्मल है। तो दूसरी चीज ये डिसाइड हो गई कि ये एनीमिया तो जरूर है लेकिन नॉर्मोसाइटिक टाइप का एनीमिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी दो चीज पता चल गई, एनीमिया है लेकिन नॉर्मोसाइटिक है। अब उसका क्रोमिया वाला स्टेटस वो MCV, MCH एंड MCS के बेस पे पता चलेगा। तो अभी तक हमको ये डायग्नोसिस बन गया है, एनीमिया है लेकिन नॉर्मोसाइटिक है। अब हम MCH और MCSC देखेंगे। MCH का वैल्यू यहाँ जो दिया है 30 pg/g दिया है और हम ये जानते हैं कि MCH का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 28 to 32 pg/g। तो यहाँ पर 30 दिया है जो कि नॉर्मल है, तो हमको ये पता चल गया यहाँ पर MCH नॉर्मल है। और जो MCSC होता है उसका नॉर्मल वैल्यू 33% होता है और यहाँ पर भी 33% है। मींस MCH और MCSC दोनों नॉर्मल हैं, मींस सेल्स नॉर्मोक्रोमिक है। और यहाँ पर जो ब्लड पिक्चर दी गई है इसमें भी देखिए सेंट्रल पेलोर देखिए 1/3 से भी कम है, 1/3 के लगभग है। मींस ये जो सेल है वो हाइपोक्रोमिक नहीं है, नॉर्मोक्रोमिक है। तो फ्रेंड्स, हमारा डायग्नोसिस बन गया, हीमोग्लोबिन कम है इसलिए एनीमिया है, MCV भी नॉर्मल है इसलिए नॉर्मोसाइटिक है, और MCSC और MCH दोनों नॉर्मल है इसलिए नॉर्मोक्रोमिक है, और ब्लड पिक्चर भी यही बता रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, इस पेशेंट का डायग्नोसिस है, इस RBC हिस्टोग्राम का इंटरप्रिटेशन है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो इन सब ब्लड एंडायसिस को पढ़ने के बाद, इस हिस्टोग्राम को पढ़ने के बाद हमने डायग्नोसिस बनाया नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर यू। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।
कल का वीडियो लेक्चर फोकस होगा केस 4 के बारे में और हम केस 5 और केस 6 तक लेंगे। तो 6 केसेस की सीरीज है, इसे प्रॉपरली सुनिए, आई एम श्योर आपको काफ़ी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आ जाएगा आरबीसी हिस्टोग्राम कैसे पढ़ते हैं और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल का केस होगा केस नंबर 4।